Hello everyone, this is me Farida Mughal and you're watching my YouTube channel. कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बहुत सारे कमेंट करो और फैला दो वीडियो को। तो भाई फाइनली इकरा कमल की शादी हो गई है। आप लोगों ने शादी देखी, बड़ा इन्जॉय किया, उसने पैसा भी बड़ा कमाया। मैं अपनी हर वीडियो में मैंने हमेशा ही बोला है कि मैंने कभी भी इकरा कमल को बुरा नहीं कहा। ये जो लोग बोल रहे हैं और जो दिखा रहे हैं वो हकीकत दिखा रहे हैं। तो यार अभी मैंने एक चैनल पे कल एक रिव्यू का चैनल है, मैं वो चैनल देख रही थी। वो उस लड़की का नाम है मुंतहा रिएक्शन, जिसको मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ना टैग भी किया था। और उन्होंने जो वीडियो बना रखी थी, उन्होंने ये बना रखी थी कि इकरा कमल का बड़ा ग्रैंड वेलकम होता है। वो आती हैं रुखसती के बाद अरीब के साथ अपने घर पर आती हैं और बड़ा शानदार सा ना उनका वेलकम होता है। और उसमें ये दिखाया जाता है कि जब वो घर में एंटर होकर अपने हस्बैंड के साथ यानी कि अरीब परवेज के साथ बैठती हैं आकर, और उनको कुरान पाक दिया जाता है और वो कुरान पाक पढ़ती हैं, तो वो हाथ लगा लेती हैं। आपने देखे होंगे पूरी शादी में उन्होंने नेल एक्सटेंशन लगाए हुए थे, नेल पॉलिश लगाई हुई थी, बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था। तो आपको लगता है कि मतलब इतना लॉन्ग टाइम अगर कोई बंदा वजू कर भी ले तो इतना लॉन्ग इंसानी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, कुछ भी हो जाता है कभी। और ये भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, खैर मैं उन चीज़ों में नहीं जा रही, लेकिन मैं सिर्फ आपको मुंतहा रिएक्शन वाली वीडियो की बात बता रही हूँ कि उन्होंने जो है वो बग़ैर वजू के कुरान पाक को हाथ लगाया और पढ़ा। तो मुंतहा ने ये चीज़ बड़ी डिस्क्राइब की, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि वो मतलब कोई इतनी बड़ी आलम दीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं, मुझे भी बचपन से अपने घर में ये सिखाया गया है और बताया गया है। इवन मेरे घर में जो छोटे बच्चे हैं, जिसमें खाला के बच्चे, मेरी अपनी बहनें जो भी छोटी हैं, हम उनको यही सिखाते हैं कि आपने बग़ैर वजू के कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना। लेकिन मिले जुले कॉमेंट से भी आता है और मिले जुले दीनदार मुफ्ती जो है वो ये भी कहते हैं कि आपने मतलब आपकी ज़बान पाक होती है, आप पढ़ सकते हो। मैं ठीक है, आप पढ़ सकते हो लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ के ऊपर जो ना बड़ा तजाद हो रहा है। और मैंने कुछ टाइम पहले अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि मैंने एक रील देखी थी इकरा कमल की, मैंने एक रील देखी थी जिसमें जब वो जरनाब जो कराची में है उनकी शादी पर आई थी, तो उन्होंने अपने कमर जो उनकी बैक से दिख रही थी, छोटा छोटा सा जिस्म का हिस्सा उनका दिख रहा था उन कपड़ों में, तो उन्होंने वो एक अंदर शर्ट से कवर किया था। लेकिन उस पर मैंने देखा कि मतलब वो रील मुझे याद नहीं है कि मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिखा दूं, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि उस पर लोगों ने बड़ा इकरा को हाईलाइट किया था कि देखें हाउ टू कैरी द ड्रेस और इकरा की अच्छी बात है ये वो। तो अगर वो अच्छी बात थी इकरा की जो उन्होंने अपनी मेहंदी के ड्रेस में किया, वो सब क्या था? आप एग्री करते हैं मुझसे, वो सब क्या था? तो खैर मैं अभी भी देखें उनको बुरा नहीं कह रही, जो लोग दिखा रहे हैं, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो ये जो आप लोग मेरी वीडियोस पे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं ना कि आपने बर्थडे का क्यों दिखाया, आपने ये क्यों दिखाया, आपने वो क्यों दिखाया, भाई इन चीज़ों से बाहर आओ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के ऊपर बात करने का, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा जो है ना क्यूरियोसिटी और किसी के लिए पैदा करूँ, भाई मुझे कोई शौक नहीं है। प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट ना करें और जो तरीक़ेकार है उसको आप देखें कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो एनीवेज मैं बस ये वीडियो इसी मकसद के लिए बना रही हूँ कि आप लोग समझें, आप लोग समझें। और अगर मैंने अपने बर्थडे का ब्लॉग बनाया है, देखिए जितनी मेरी हैसियत है, जितना अल्लाह ने मुझे दिया है और मैं उसी में सबर शुक्र करती हूँ और उसी के साथ मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने मेरे बर्थडे ब्लॉग में देखा होगा यार, आई थिंक मैं बाहर जाती हूँ, बहुत देर से खड़ी हूँ, मेरे रूम में लाइट नहीं है क्योंकि हमारे घर में ना काम चल रहा है इस वक्त इलेक्ट्रिक का और पेंट वगैरह का, तो घर की जो मेन लाइन है ना वो बंद की हुई है। तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो फ्लैश की लाइट में बना रही हूँ मोबाइल की। तो आप लोग देखो, मैं शीशे में दिखाती हूँ, मैं शीशे में दिखाती हूँ, देखो शीशा भी ना यहाँ इतना गंदा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि पेंट हो रहा है ना घर में, तो पेंट के साथ ये सब कुछ गंदा हो रहा है। तो आई थिंक मैं बैठ जाती हूँ, मुझे यहाँ पर बैठना पड़ेगा इधर, इसको मैं सही कर लेती हूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ। सब कुछ ही गंदा हो रहा है, इतनी मिट्टी मिट्टी हो रहा है ये देखो ज़रा, क्योंकि इस कमरे में भी ये कलर हुआ है लेकिन कलर होना बाकी है अभी। तो आप लोगों ने मेरा बर्थडे का व्लॉग देखा, उसमें आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत ही सिंपल से, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, मैं थी, मेरी मम्मा थी, हम चार लोग थे। मैंने कोई इतनी डेकोरेशन नहीं करवाई, मैंने कोई इतनी ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने जिस पे मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं शो ऑफ किया। तो मुझे कोई शौक नहीं है
लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आप लोग क्या चीज़ बोलने से पहले आप लोग को सोचना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, मैं भी इकरा कमल को देखती हूँ, मैंने पहले भी बताया और मैं अब फिर बता रही हूँ कि मैं भी इकरा कमल को देखती हूँ, मैं भी उसे एडमायर करती हूँ। डेफिनेटली वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक स्टार है, लेकिन आप जो चीज़ सही है आप उसको एग्री करें, जो चीज़ गलत है आप उसको गलत कहें। तो बस मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद था और इतना ही मैं बोलूँगी, इससे मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी। देखो, अगर आप लोगों को मेरा चैनल नहीं समझ में आता, मेरी सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने छोड़नी है, तो आप लोग जा सकते हो, लेकिन जिसको मेरा कंटेंट समझ में आता है वो मुझे डेफिनेटली बताएं कि मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ। बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं यार आप लोग, मेरा बहुत दिल दुखता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नाम से ही फेमस हूँ। अब देखिए, मैं अपनी शक्ल दिखा रही हूँ, मेरा अपना नाम है, मैं अपने नाम से ही फेमस हो रही हूँ, लेकिन जो चीज़ चल रही है उसको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखो यार, आप लोग जो बार बार ये बोल रहे हो, कमेंट में बोल रहे हो कि मैं उससे जलती हूँ, जो लोग फेम हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो देखो मैं किसी से भी नहीं जलती हूँ भाई। मैंने आप लोग के कमेंट पढ़े थे और देखो, जो कमेंट मैंने छोड़ दिए थे वो मैं दोबारा पढ़ूंगी आप लोग के सामने, वो सारे कमेंट्स लेकर आऊंगी मैं। लेकिन लेकिन प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, मैं आप लोग के हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे कि प्लीज़ मेरे चैनल पे इतने गंदे गंदे कमेंट ना करो, मुझे हेट ना करो। क्योंकि देखो, मैं अपने लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं उसी चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि दुनिया बोल रही है। दुनिया में मैं भी आती हूँ, आप भी आते हो, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि आप लोग जो है कुछ अच्छे जेस्टर में उसको समझते हो और अच्छा शो ऑफ करते हो, उसको पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं डेफिनेटली उसको पसंद करती हूँ, उसे एडमायर करती हूँ। मैं भी उसकी व्लॉग वीडियो देखती हूँ, राबिया फैसल के देखती हूँ, फातिमा फैसल के देखती हूँ, सबको देखती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि आप लोग जो चीज़ देख रहे हो उसको आप देखो, समझो, सोचो और उसके बाद बोलो। तो अगर मेरी वीडियो से आप लोग की दिल आज़ारी हुई है तो यार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कल मुंतहा रिएक्शन वाला चैनल देखा, मुंतहा रिएक्शन के चैनल के ऊपर मैंने जब उसके कमेंट्स देखे लोगों के, तो यार लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो 25-25 मिनट की और 30-30 मिनट की, मतलब आधे आधे घंटे की वो बंदी वीडियोस बना रही है। और मेरा दिल इतना खुश हुआ कि एक मैं हूँ जो आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हो, और एक वो है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, उसे बोल रहे हो कि आप सही कह रहे हो। मैंने अगर अपने दो वीडियोस के ऊपर कमेंट देखे हैं ना, तो मतलब 100 में से सिर्फ 5 कमेंट ऐसे होंगे जिसने ये बोला कि आपने ठीक कहा और हम आपके साथ हैं, और उनमें से 25 कमेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला बोला। तो भाई प्लीज़ ऐसा ना करो। और कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं कि मैं जल रही हूँ, उसके पास इतना पैसा है, आप उसे बुरा नहीं बोलो, वो अच्छी है, तो यार देखो सभी अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि अगर आप उसकी तरह फेमस होती, आप सेलिब्रिटी होती, आप स्टार होती, तो शायद आप भी इसी तरह के कपड़े पहनती, आप भी जो है ना ऐसा ही कुछ करती। देखो मुझे अभी भी पता है और मुझे इंशाल्लाह आगे भी पता होगा कि मुझे पीआर के लिए क्या करना है, मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, मुझे किस तरह से बात करनी है, मुझे किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है। और मैं अगर उसकी जगह होती तो मैं कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करती, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, हमारे ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमें क्या पहनना चाहिए, हमें क्या नहीं पहनना चाहिए, हमारे माँ बाप हमें टोकते हैं, अभी भी रोकते हैं। लेकिन उनको पता है कि उनकी बेटियाँ जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो गलत नहीं है, वो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे, उनकी इज्जतों का भी ख्याल रखेंगे। तो हमें अभी अपने घर में ये चीज़ की सीख मिलती है। तो आप लोगों ने ज़ैनब फैसल को भी देखा होगा, जो कि इकरा और अरीब के वलीमे में जिस तरह की उन्होंने ड्रेसिंग करी, और उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी रील्स देखी, मतलब उन्होंने जो है वो बैक लेस पहना हुआ है, काफ़ी डीप बैक है उनका, और उन्होंने नेट पहना हुआ है, और उनका मतलब इतना इतना पार्ट जो है वो दिख रहा है। तो आप देखिए कि उस बच्ची की उम्र क्या है, शी इज़ जस्ट 9th क्लास में है वो। क्या मेरे घर में भी छोटी बहन है? आप लोगों ने मेरे व्लॉग में मुंतहा को देखा होगा, मुंतहा किस तरह के कपड़े पहनती है, मुंतहा किस तरह से अपने आप को शो ऑफ करती है, ये आप सब लोग ने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो मेरी आप पिछली सारी वीडियोस को उठा के देख लें, सारी वीडियोस कंगाल के देख लें, तो आपको कहीं पे भी मेरी किसी भी बहन का ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे जिसमें मुझे बातें सुनने को मिलें या आप लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें। ठीक है, तो आप ज़ैनब फैसल देखिए कि यार जब इतने छोटे बच्चों को आप इस तरह सीख देख रहे हो। और मैंने उस रील में ये भी देखा
इन्होंने कहा कि पीआर के लिए सब कुछ करेंगे। देखो पीआर के लिए आप करो, लेकिन कम से कम आप इस चीज़ का ख्याल करो कि आप अपनी एज देखो और अपनी मेच्योरिटी देखो कि आप अभी इतने मेच्योर नहीं हो, आप छोटे हो। और अगर आप वही चीज़ को लेके बड़े होगे, आप उसी तरह की सीख को लेके बड़े होगे, तो आप आगे कहाँ तक पहुँचोगे। एनीवेज यार, मैं कोई इतना लंबा भाषण नहीं देना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 आप लोग मुझे हेट करना बंद करो। मैं भी देखे फेमस होना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा नाम हो, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छे कमेंट्स करें मेरी चैनल पे और मुझे अच्छे तरीके से याद रखें, मेरे व्लॉग्स देखें। हाँ ये बात ठीक है कि मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ और मेरे इतने सारे फॉलोवर्स नहीं हैं, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। मैं आप लोग को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आप जैसे लोग और आप लोग ही हम जैसे लोगों को स्टार बनाते हैं। इकरा कंवल ने भी जब शुरू किया तो वो कोई इतनी फेमस नहीं थी, धक्के खाए उन्होंने, स्ट्रगल की। तो देखिए मैं भी अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ, मैं भी अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, प्लीज़ अच्छे कमेंट करें। मैं आप लोग के अच्छे कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे आप सपोर्ट करें, मैं आगे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगी। क्योंकि देखिए मेरी लाइफ बहुत टफ है, मैं किसी दिन आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगी कि मैं किन चीज़ों से गुजरी हूँ, मैं क्या चीज़ें फेस कर चुकी हूँ, मैं स्टिल क्या चीज़ें फेस कर रही हूँ। मेरा बर्थडे था 17 दिसंबर को, आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा। आप यकीन करें, एक मैं क्या बोलूँ, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ऐप से मुझे सिर्फ मैसेज आया बर्थडे का, और मुझे किसी ने कोई बर्थडे विश नहीं किया, किसी ने भी, सिवाय मेरे घर वालों के, यानी कि जो मेरी अम्मी है, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं। उनके अलावा मुझे किसी कज़न ने, किसी दोस्त ने, किसी जानने वाले ने मुझे कोई बर्थडे विश नहीं किया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। और मैं आई थिंक इससे आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों का। और मुझे बताएं कि मुझे अपने व्लॉग्स को कैसे इम्प्रूव करना है, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी आपकी। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग ही मुझे आगे पहुँचाएंगे, आपकी सपोर्ट मुझे आगे पहुँचाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगले व्लॉग में मिलूंगी, लेकिन प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।